गुड मॉर्निंग दोस्तों, वापस स्वागत है आपका हमारे चैनल बंक स्ट्रीट में। मैं हूं बसानी, डिस्कस करेंगे आईएएस बाबा के डेली करंट अफेयर्स 1 अगस्त 2018 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आप लोग बोलते हैं कि इसका पीडीएफ नहीं मिल पाता, तो मैंने पीडीएफ स्पेशली, मतलब क्या होता है कि मैं जिस प्रोसेसर डाउनलोड करता हूँ पीडीएफ, वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके अपना उसको गूगल ड्राइव में सेव कर लिया, फिर मैं वो लिंक आपको शेयर कर दूंगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने उस लिंक को मतलब थोड़ा शॉर्ट किया गूगल ड्राइव का लिंक, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पसेज की वजह से शॉर्ट किया मैंने उसे, तो उसमें एक ऐड आएगा। तो आप लोग को मतलब उसको स्पेसिफिकली खोलना है और एक सामने एक पेज खुलेगा आपका, उसको आपको स्किप कर देना। ऊपर में राइट साइड में आपका स्किप का ऑप्शन रहेगा, वो उसमें क्लिक करना है, स्किप हो जाएगा वो, फिर आपका जो डाउनलोड है डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बस यही बताना चाहता था, और चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस फोकस में हम लोग देखेंगे क्या है। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बारे में बात करेंगे, NRC। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, ये क्या चल रहा है रिसेंटली न्यूज़ में, ये सब हम लोग जानेंगे। तो रिकैप देखेंगे NRC क्या होता है, जहाँ पे भारत इंडियन जो भी सिटीजन्स हैं उनका जो नाम लिखा रहता है रजिस्टर जिसको बोलते हैं, वो होता है NRC, ठीक है। इसको पहले बार प्रिपेयर किया गया था 1951 के सेंसस के बाद, कि कौन भारत में जन्म लिया कौन नहीं लिया उसको जानने के लिए। जो लोग जिनका नाम इसमें नहीं है वो लोग को इलीगल माइग्रेंट्स बता दिया जाए, कि वो लोग बाहर से गलत तरीके से आए हैं, इलीगली आए हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि NRC का जो अपडेट है उसका डिमांड कर रही है असम। क्यों कर रही है? क्योंकि वहाँ पे बोला जा रहा है कि इलीगल माइग्रेशन और सिटीजनशिप लेकर के बहुत इश्यूज हो रहा है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट फाइनली बोला कि आप लोग जो मतलब सेंटर को बोला कि आप लोग जो भी December 31, 2017 का अपना जो काम है असम का वो कंप्लीट कीजिए, वहाँ पे अपडेट कीजिए आप लोग NRC वापस से। यहाँ पे ये देखने को मिला कि 40 लाख देखिए, वहाँ पे टोटली 3.29 करोड़ एप्लीकेंट्स थे, उसमें 40 लाख को छोड़ दिया गया, ठीक है। मतलब वहाँ पे उन लोग को नहीं वहाँ पे नाम आया वो लोग 40 लाख लोगों का। तो ये मतलब बोला जा रहा है कि यहाँ पे गलत तरीके से वो लोग लगा देते हैं। अब यहाँ पे ये है कि अभी न्यूज़ में ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटीज़ को ये बोला है कि अभी आप कोई एक्शन नहीं लीजिए जिनका नाम NRC पे नहीं आया, ठीक है। तो ये आज का न्यूज़ हम लोग को मतलब एक तारीख का ये जो न्यूज़ है ये एक तारीख का है, तो ये चल रहा है एक तारीख को, लेकिन टोटली जो डेटा था वो आप लोग के काम के बहुत आने वाला है आंसर राइटिंग में। अब रोहिंग्या इंडिया में देखेंगे, भारत में रोहिंग्या क्या काम है, क्या इशूज़ चल रहा है, वो सब के बारे में। अब यहाँ पे न्यूज़ में ये कि यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है वो एडवाइस किया गवर्नमेंट को कि आप लोग एक काम कीजिए कि आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, कलेक्ट कीजिए कौन कौन से, उनको बायोमेट्रिक डेटा भी कलेक्ट कीजिए जो रोहिंग्या माइग्रेंट्स हैं जो भारत में रहने आए हैं। रोहिंग्या भी हम लोग बात करेंगे कौन है रोहिंग्या, कहाँ से आए हैं, तो वो सब बात करेंगे। जो भारत में रहने आए हैं तो उनके बारे में बात मतलब डेटा कलेक्ट कीजिए। ये बोला है कि मिनिस्ट्री ये रिपोर्ट उनको मिला है कि रोहिंग्या जो आए हैं बाहर से वो लोग इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल अभी पाए जा रहे हैं। यहाँ पे ये भी बोला गया है, गवर्नमेंट ये चीज़ क्लियर कर दी कि रोहिंग्या जो है वो इलीगल माइग्रेंट है और रिफ्यूजीज़ नहीं है। देखिए रिफ्यूजी क्या होता है, रिफ्यूजी आदमी परमिट लेकर के आता रहने के लिए कि हम आपके घर मतलब आपके कंट्री में रहना चाहते हैं, हमारे कंट्री में ये प्रॉब्लम है तो हम आपकी कंट्री में रहना चाहते हैं, गवर्नमेंट उसको परमिट देती है तब वो रहने आते हैं, तो वो होता है रिफ्यूजीज़। लीगल माइग्रेंट वो होते हैं जो कि चोरी छुपे बॉर्डर क्रॉस करके घुस जाते हैं, रहने लग जाते हैं, तो उनको कहते हैं लीगल माइग्रेंट्स। तो ये थोड़ा अंतर रिफ्यूजी और इलीगल माइग्रेंट्स में। डू यू नो में देखेंगे रखाइन क्या है, तो रखाइन बोलते हैं रोहिंग्या क्या है, तो रोहिंग्या देखिए रखाइन एक प्रोविंस है म्यांमार में, बेसिकली वो कॉर्नर में पड़ता है हमारे अरेबियन सी को टच, वे बंगाल को टच करते हुए एक छोटा सा एक प्रोविंस है। वहाँ पे ये हो रहा है कि जो वहाँ के मुस्लिम्स हैं उनको मार मार के वहाँ से भगाया जा रहा है, उनका जान से मतलब उनको जान से मारा जा रहा है, बहुत ख़राब कंडीशन है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि वहाँ से बहुत लोग माइग्रेट करके जो नियर बाई कंट्रीज़ है जैसे बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, और भी आसपास की जो भी कंट्रीज़ हैं थाईलैंड वियतनाम ये सब कंट्रीज़ लोग जा करके रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि इस हिसाब से देखा जाए, मतलब यहाँ पे आगे ये बताया गया कि इंडिया जो है वो 1951 UN रेफ्यूजी कन्वेक्शन, देखिए ये एक लौता ऐसा कन्वेक्शन है जो कि रेफ्यूजी का टोटल डेटा देखता है कि यहाँ पर रेफ्यूजी को किस तरह से रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, तो उसको अभी तक भारत साइन नहीं किया है। भारत का नहीं साइन करने का यही रीज़न है कि यहाँ पर रेफ्यूजीज़ का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, अगर भारत इसको साइन कर देता है तो उसको लीगली इस रेफ्यूजीज़ को रखना पड़ेगा, और इसको रखने का जो एक्सपेंडिचर होगा वो यूनियन गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो ये एक तरह से मतलब भारत को खुद पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, उसके अलावा अगर आप बाहर से किसी को रखते हो तो उसको आपको जॉब्स प्रोवाइड करना होगा, उसको मतलब नॉर्मल जो भी खाना पीने का सामान जो प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी दिक्कत वाला बात हो जाता है यहाँ पे। अब लेकिन भारत ये बोला जा रहा है कि एक 1967 का प्रोटोकॉल है, यही अभी एक चीज़ है भारत में जो कि किसी तरह से मतलब रिफ्यूजी जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब फॉरेनर एक्ट 1946 के बात करेंगे, और उसके अलावा एक रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939 के बारे में,
तो ये क्या है, ये मतलब बोला जा रहा है कि यही दो एक्ट है अभी बेसिकली, यही दोनों एक्ट के तहत देखा जाता है कि रिफ्यूजीज़ कैसे आते हैं कैसे जाते हैं। तो वो लोग जो है वो हम लोग भारत में यही दो एक्ट की तरफ देखते हैं कि हाँ ये दोनों एक्ट की तरफ तहत क्या बातें की गई है, और उसके बाद हम लोग अपना डिसीजन लेते हैं। चलिए ये था रोहिंग्या के बारे में, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या डेट यहाँ पे पूरा माजरा है चल रहा है। इसके बाद बात करेंगे राजस्थान का, फर्स्ट राजस्थान जो पहला स्टेट बन चुका है जो कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी को अप्लाई कर दिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगी, ये तो देख लिए, इसका क्या है कि नेशनल पॉलिसी और बायोफ्यूल जो है उसको अनवील किया गया था, उसको लाया गया था सेंटर के द्वारा मई 2018 में। और यहाँ पे ये बोला गया कि इसमें क्या किया जाएगा, इसमें एम्फोसिस दिया जाएगा, देखिए मई 2018 बहुत पुराना समय नहीं, रिसेंट का समय है, तो मतलब अभी रिसेंटली लाया गया इसको। और इसमें क्या होगा कि हम लोग एम्फोसिस देंगे ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, मतलब ऐसे कुछ भी पदार्थ कुछ भी जैसे हम लोग कुछ उगाते हैं, सपोज़ कर लीजिए आप लोग सनफ्लावर उगा रहे हो या फिर मस्टर्ड उगा रहे हो, तो वहाँ का जो ऑयल सीड्स है हम लोग बेसिकली उसी से तेल निकालते हैं, हमारा जो नॉर्मल बादाम होता है बादाम का तेल निकलता है, तो ऑयल सीड्स यहाँ पर उगाने की ज़्यादा बात की जाएगी। और यहाँ पर कुछ सेंटर्स बनाने की बात की जा रही है, मतलब हम लोग कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे जो लोग इस चीज़ का रिसर्च और इस चीज़ के ऊपर जो भी डेवलपमेंट होने वाली है उसको प्रमोट करेंगे, और अल्टरनेटिव फ्यूल का कुछ जरिया निकालेंगे कि हाँ इसके अलावा हम लोग ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब डीयूएन में देखेंगे पॉलिसी क्या क्या है, किस किस तरह से बांटा जाता है। तो एक तो बेसिक बायोफ्यूल्स होती हैं जिसको कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स भी कहा जाता है, 1G, ठीक है, इसमें आ जाती है बायोइथेनॉल और बायोडीजल। इसके अलावा कुछ एडवांस बायोफ्यूल्स होती हैं जिसमें सेकंड जनरेशन होता है। एडवांस बायोफ्यूल्स का दो डिवीजन है यहाँ पे, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। अब सेकंड जनरेशन में आती है इथेनॉल, ठीक है, और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब देखिए म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या, वही वेस्ट जो कि नली वली में बहता है तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है। अब यहाँ पर सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उसके अलावा जो भी आपका ट्रैश कैन में आपको मिलेगा, जो भी DMC का देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे ये लगा रहता है, ट्रैश कैन लगा रहता है, उसमें लोग फेंकते हैं आकर के सामान, तो भी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है। इससे भी क्या किया जाता है, इथेनॉल और मीथेन जो है प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसलिए जो MSW है उसको भी एक इसमें कैटेगरी में रखा गया है। अब थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल देखेंगे तो इसमें आ जाता है बायो CNG, जो भी आपको बायो से जो निकलता है CNG या फिर LPG बना रहे हो बायो से। अब देखिए LPG तो नहीं बनेगा, बायो CNG, हाँ इकलौता बायो CNG जो हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा थर्ड जनरेशन में आएगा। इसके बाद ये बोला गया कि हम लोग इस चीज़ को डिवाइड क्यों किए हैं पॉलिसी के तहत, कि हम लोग सही तरीक़ा से कहाँ कहाँ पे क्या क्या हम लोग को फाइनेंशियल और इंसेंटिव देना है वो हम लोग को पता चले, कहाँ पे इंसेंटिव देना है, किसको ज़्यादा इंसेंटिव किसको कम इंसेंटिव मिलना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से डिफाइन कर पाएंगे। अब सेलियंट फीचर्स देखेंगे इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पे हम लोग जो बायोफ्यूल्स जो बनने वाली कंट्री में तो उसको प्रमोट करने का थोड़ा काम करेंगे। यहाँ पे भी एक और भी बात पता चलेगा क्या कि देखिए फार्मर्स के पास बहुत बार ऐसा होता है कि सरप्लस बहुत बच जाता है, हम लोग जो खेती करते हैं उसके बाद उसका जो भी हस्क और हे बच जाता है या फिर ओरिजिनल जो आपका वीट या कुछ राइस बच गया तो उसको आप कहाँ डिस्पोज कीजिएगा, उसको फेंकने में आपको बहुत बड़ा लॉस लगने वाला है। तो इसलिए क्या एक तरीका निकाला गया कि हाँ आप उसको यहाँ पे ला के दीजिए, वो लोग उसको चेंज करके उसको ब्रेक डाउन करके उसका जो भी सामान निकलेगा इथेनॉल या फिर मीथेन जो निकलेगा वो निकाल करके आपको अमाउंट जो होगा वो आपको दे देंगे। तो ये एक तरीका का मतलब एक अच्छा तरीका है कि हाँ फार्मर का जो एक अभी जो हम लोग का टारगेट है 2020 तक उसका फार्मर का इनकम जो डबल कर देना है उसकी तरफ एक अच्छा ये इनिशिएटिव हो सकता है, मतलब बेसिकली ये कहा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या है कि भारत जो है ऑयल इंपोर्ट कितना करते हैं, आप लोग रिसेंटली पढ़ते हैं न्यूज़ में ऑयल इंपोर्ट कितना होता है भारत में, तो उसको रिड्यूस करने का काम करेगी। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला गया कि जो रॉ मटेरियल होता है इथेनॉल प्रोडक्शन का उसको बढ़ाने की यहाँ पे बात की जा रही है। हम लोग देखिए रिसर्च करेंगे तो हम लोग ऑफकोर्स पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ और हम लोग को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे शुगर केन जूस, शुगर कंटेनिंग मटेरियल, स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल, डैमेज फूड ग्रेन्स लाइक वीट, देखिए वीट टूट जाता है डैमेज हो जाता है, इसके अलावा राइस जो टूट जाता है तो ब्रोकन राइस, रॉटेन पोटैटो का यूज़ किया जा सकता है इथेनॉल बनाने में। यहाँ पे और ही बोला है कि वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है SHG आप लोगों को पता होगा, तो उसके तहत मतलब उसका हम लोग हेल्प कर सकते हैं। देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे एक अच्छा जो इनिशिएटिव हो ये ला सकते हैं कि जो ये सब सामान जो जुगाड़ कर रहा है ना, देखिए ऑफकोर्स ये फार्मर जो है वो खुद लेके नहीं आएंगे, ऑफकोर्स आप लोग को पता होगा कि फार्मर जो किस कंडीशन में है भारत में अभी, तो वो लोग खुद को उनको इतना नॉलेज नहीं होता। तो यहाँ पे वुमेन का जो SHG होता है उसको यहाँ पे बहुत सारे टास्क असाइन किया जा सकता है कि आप लोग ये कर दीजिए, आप लोग वो कर दीजिए, इससे क्या होगा वुमेन का भी मतलब यहाँ पे भला होगा और इसके अलावा जो है हमारे जो फार्मर्स हैं उनका भी भला होने वाला है। तो ये अच्छा खासा मतलब एक टोटल डेवलपमेंट जो बोलते हैं ना वो लेके यहाँ पे विन विन सिचुएशन हम लोग के लिए है। इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन में देखेंगे कि बायोफ्यूल एक तरह का फ्यूल है जो कि कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से बनता है। कंटेम्प्रेरी क्या होता है, जो बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है उससे बन सकता है, जैसे कि हम लोग एनारोबिक डाइजेशन देखते हैं, तो ये सब तरीका होता है कि हम लोग हाँ एक बायोफ्यूल बना सकते हैं।
अब यहाँ पे इसके अलावा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग जियोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज़ होता है, जिसमें कि क्या हम लोग का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज़ होता है, मतलब उसको गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, जो हमारे जो धरती है, अर्थ है, अर्थ क्या करती है, अपना क्रस्ट के नीचे दबा देती है प्रेशर एटमॉस्फेयर, उसका वैसा कंडीशन रहता है, एनवायरनमेंट बन जाता है कि कोई भी अगर बायो मतलब एक ऑर्गेनिक मटेरियल है तो वो चेंज होकर फ्यूल बन जाता है, तो वो तो जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है एनरोबिक डाइजेशन की, तो यहाँ पे क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं वो उस प्रोडक्ट को खाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं उसके साथ, उसको मतलब खाते हैं, उससे जो गैस एमिट होती है ना, मिथेन या इथेनॉल कुछ भी गैस एमिट हो रहा है, तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो एक एनारोबिक प्रोसेस हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा दोनों क्या क्या मतलब किस किस तरह आगे बढ़ता है, साइंस से थोड़ा रिलेटेड हो गया है पूरा। अब यहाँ पे ये बोला गया कि पहले बायोफ्यूल पॉलिसी जो है उसको प्रपोज किया गया था, और इसका टारगेट था 20% हम लोग बायोफ्यूल्स को ब्लेंड कर देंगे नॉर्मली, मतलब हम लोग लेके आ जाएंगे 2017 तक 20% बायोफ्यूल्स है वो मार्केट में आ जाएगा। अब इसके अलावा जो आज का एक और टॉपिक है वो है माँ के बारे में, मतलब MAA मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, तो ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है, आइए यहाँ पे हम लोग जानेंगे क्या है। तो MAA मतलब मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन जो है वो एक नेशन वाइड प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें प्रमोट किया जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग को, मतलब जो माँ अपने स्तन से जो दूध पिलाती है तो उसको प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो बोली कि नेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाएगा 1 से 7 अगस्त तक 2018। तो अभी जो करंटली समय है हम लोग नेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक में हैं, और यहाँ पे वाई ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी क्यों है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहले तो यहाँ ब्रेन डेवलपमेंट में काम आता है, इसके अलावा बहुत जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन जो है, मिनिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड हो जाती है। इसके अलावा जो चाइल्ड इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है ब्रेस्ट फीडिंग। यहाँ पे और भी देखेंगे चाइल्ड जो है उनको निमोनिया और डायरिया से बचाता है, ये जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग है उससे निमोनिया डायरिया का जो खतरा है वो बहुत कम होता है। अब यहाँ पे और भी बोला गया कि जो बॉन्डिंग होता है, ऑफकोर्स वुमेन और बेबी के बीच में जो बॉन्डिंग है, माँ और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है अगर माँ अपने स्तन से दूध पिलाती हैं। इसके अलावा जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है उसका जो रिस्क होता है, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है वो नॉर्मली क्या खाने पीने का चेन में रहती है, ठीक है, फूड सर्कल में घुस जाती है, लेकिन हम लोग का एक डेवलप्ड बॉडी, एक बड़ा इंसान के पास इतना इम्यून सिस्टम होता है कि वो उससे लड़ सकता है, ठीक है, अगर आपका फूड चेन में कुछ भी गंदा चीज़ जाता है तो। लेकिन यहाँ आप देखिएगा किस तरह से, जो आप लोगों को पता ही होगा जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, अगर आप प्रोडक्शन हाउस में देखिएगा तो बहुत जगह ऐसा भी होता है उसको और चीज़ों से मिलाया जाता है, फेना बनाने के लिए उसमें सर्फ मिलाया जाता है और भी वाइट पाउडर मिलाया जाता है उसमें, तो वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है, और उससे क्या होता है, एक बच्चा जो है ना, एक बच्चा का हेल्थ बहुत ज़्यादा उससे नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे वो चीज़ जो उसका रिस्क जो है वो यहाँ पे काफ़ी कम होगा अगर यहाँ पे वुमन का ब्रेस्ट फीडिंग होता है। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे जो होना चाहिए था मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं दिया, वो है कैंसर के बारे में। तो वुमन को ब्रेस्ट कैंसर बहुत होता है, ठीक है, वुमन के पास एक ब्रेस्ट कैंसर का एक ज़्यादा मतलब मेन से 3 तरह के ज़्यादा कैंसर जो होते हैं वुमेन को होते हैं, ठीक है, और उसमें से एक ब्रेस्ट कैंसर भी होता है। तो यहाँ पे एक ये चीज़ है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो वुमेन को होने का चांसेस यहाँ पे बहुत कम होता है। अब पर्सन इन न्यूज़ के बारे में देखेंगे तो गोपाल कृष्ण गांधी एक इंसान है, उनके बारे में हम जानेंगे। अब इनको राजीव सद्भावना अवार्ड देने की बात की जा रही है। ये गोपाल कृष्ण गांधी जो वेस्ट बंगाल में रहने वाले, इन्होंने प्रमोट किया था हारमोनी और पीस को, तो टर्म्स क्लियर है हारमोनी और पीस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा जो अवार्ड है उसमें 10 लाख का एक अमाउंट होता है। इसके अलावा जो साइटेशन होता है, मतलब जो भी आप लोग समझ सकते हैं एक सर्टिफिकेशन जो होता है वो उसमें होता है। अब यहाँ पे इसको प्रेजेंट किया जाएगा 20 अगस्त को, क्योंकि उस समय लोगों का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर राजीव गांधी तो उनका यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी, तो उस समय इसको दिया जाएगा। अब इस इंस्टीट्यूट को क्यों बनाया गया था, जो इंस्टीट्यूट ये देती है अवार्ड, वो क्यों बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था कि हम लोग एक ऐसा इंसान जो कि पीस कम्युनल हारमोनी और वायलेंस के अगेंस्ट जो लड़ता है, जैसे हमारे राजीव गांधी जो थे, तो उस इंसान को मतलब उनके जो राजीव गांधी उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको और बढ़ाने के लिए और लोगों को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए और जागरूक करने के लिए और यहाँ पे लाने के लिए इस चीज़ को बनाया गया था। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे क्यों बनाया गया था इसको। इसके अलावा यहाँ पे रिसिपियंट्स कौन कौन है, पहले जिनको मिल चुका था, यहाँ पे मदर टेरेसा, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, मोहम्मद यूनुस, लता मंगेशकर, सुनील दत्त, दिलीप कुमार, कपिल वत्स्यायन, शीतलाबाद, ठीक है, स्वामी अग्निवेश, आर के नारायण, उस्ताद अमजद अली खान, मुजफ्फर अली शुभगाम मुदगल, ठीक है, तो ये सब नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब मेंस फोकस देखेंगे नेशनल के ऊपर क्या क्या है, नेशनल डिस्कशन यहाँ पे हमारे लिए, तो यहाँ पे जस्टिस BN श्रीकृष्ण कमेटी, लास्ट डे हम लोग जो डिस्कस किए थे मेंस, तो उसमें हम लोग जस्टिस BN श्रीकृष्ण कमेटी के बारे में हम लोग बात किए थे, मैंने आपको बताया था कमेटी क्या होती है ऐसे वैसे। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे जो कंट्री ऐसा सिचुएशन हम लोग का भारत में कि यहाँ पे राइट
एक होता है ना नेशनल प्राइवेसी का एक टोटल फ्रेमवर्क होता है, तो भारत में वैसा कुछ भी नहीं है। और अभी उस दिन जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें देखे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ लिंक किए थे हम लोग प्राइवेसी को लेकर के, तो यहाँ पे उस तरह का लिंक्ड नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक नहीं है। यहाँ पे उस दिन इनके पता चला था कि क्यों हम लोग के पास एक फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है। तो अब आगे हम लोग थोड़ा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो एक राइट टू प्राइवेसी जजमेंट है उसमें। देखिए एक जजमेंट था के पुत्तस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, केस 2017 में हुआ था ये। तो इसमें राइट ऑफ प्राइवेसी को हम लोग को क्या किया गया, एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि हर किसी को यहाँ पे, सॉरी बनाया नहीं गया, क्लैरिफाई कर दिया गया, पहले से ही था लेकिन क्लैरिफाई उसको किया गया कि हाँ फंडामेंटल राइट है और यहाँ पे हर किसी के पास एक राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए। अब यहाँ पे ये भी बोला गया कि जो स्टेट है मतलब उनका जो कंट्री है तो उसके पास एक ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि उनको क्या करना है कि मतलब जो भी प्राइवेसी के राइट्स हैं उनको हमेशा मान के चलना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हो, आप लोग उसके लिए करना हो कुछ ना कुछ। और इसीलिए क्या किया कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो एक कमेटी बनाया जिसको कि जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण जो है वो हेड कर रहे थे, उसका नाम जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण कम्युनिटी बन गया। और उनको लॉ बनाना था, ऐसा लॉ जो उसको फॉर्मुलेट करना था। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है या फिर जुडिशियली में जो ऐसा इस तरह का मतलब जो पुत्तस्वामी केस जो जीत गया क्यों जीता, तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का एक आधार हियरिंग जो था वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे था कि भाई जो गवर्नमेंट है वहाँ से चोरी हो सकता है डेटा। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप देखिएगा तो हम लोग को पता है एक रिसेंटली फेसबुक का स्कैम हुआ था, कैम्ब्रिज स्कैम, आप लोग को पता होगा ये कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो लोग फेसबुक का डेटा जो उस तरह से मतलब मॉडिफाई कर रहे थे, चेंज कर रहे थे कि आपको मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको जीतने के पीछे ये बहुत बड़ा एक रीज़न था जो डोनाल्ड ट्रंप क्यों जीत गए। आप लोग को अगर गूगल कीजिएगा तो आपको आराम से पता चल जाएगा। फिर भी मैं आपको एक डेटा मतलब नॉर्मली बता देता हूँ कि एक इंसान है सपोज़ कि वो फेसबुक यूज़ कर रहा है तो उसको इसी तरह के पोस्ट दिखाए जाते थे जो कि मतलब ट्रंप को प्रमोट करते थे, ठीक है, ऐसा वो पूरा केस में दिया हुआ, मेरा खुद का ये कुछ थॉट नहीं है। तो वो ट्रंप को प्रमोट कर रहे थे इस तरह का मतलब पूरा जो रिपोर्ट था वो सामने आया कि इस तरह का मतलब चीज़ हुआ जा रहा था, फेसबुक इसमें इन्वॉल्व था। लेकिन इसी के लिए मार्क जुगनबर्ग को भी बुलाया गया था, सॉरी मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, ट्रंप इसके अलावा यहाँ पे मोदी का भी नाम आया था, ठीक है, ट्रंप तो था बेसिकली पूरा ट्रंप के ऊपर था, इसके अलावा मोदी का भी नाम आया था। और यहाँ पे जो फेसबुक के उसमें मार्क जुगनबर्ग जो हैं अभी भी जो हैं तो उनको भी बुलाया गया कि हाँ आप लोग आइए और फिर पूरा बात कीजिए। तो ये भी पूरा रिसेंट केसिंग था, हियरिंग था, हम लोग देखेंगे। तो ये कुछ जो है ये जो डेटा का व्यूज़ है ये हम लोग को पता चला कि हाँ ऐसा होता है। अब यहाँ पे जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण कमेटी के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने एक ड्राफ्ट सबमिट किया, उसका नाम था द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2018। इसमें क्या बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे क्लासिफाई कर दे कि कौन सा क्रिटिकल पर्सनल डेटा है, ठीक है, मतलब क्रिटिकल क्या है जो कि कहीं पे चोरी नहीं होना चाहिए, वो क्रिटिकल क्या है। कोई नॉर्मल एक डेटा होता है कि नॉर्मल उस चीज़ को बांटा जा सके, तो कुछ डेटा इंपॉर्टेंट भी होता है, तो वो चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया कि हाँ आप लोग को यहाँ पे क्लासिफाई करना पड़ेगा क्या किस तरह का, ठीक है। इसके अलावा बोला गया कि हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए उनको जिनका कि मतलब डेटा चोरी हुआ है। इसके अलावा उन लोग को उनके ऊपर ऐसा मतलब ये भी होना चाहिए, पेनल्टी भी होना चाहिए जो कि डेटा चोरी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब एनालिसिस देखेंगे क्या मतलब इसके इससे हम लोग को पता चलता है ये पूरा डेटा से मतलब ये पूरा रिपोर्ट से। तो एनालिसिस हम लोग देखेंगे किस तरह से यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शन छूट गया, ठीक है, हम लोग देखेंगे इस जो ये जो आर्टिकल स्पेसिफिकली जिसमें जो ऑथर है जो राइटर है उन्होंने काफ़ी घुमा के बातें की है। मैं आपको स्ट्रेट बताऊँगा कि इस चीज़ के ऊपर ये बोला गया है, आप लोग को शायद पढ़ के समझ में ना आए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इट हैज़ रिपीटेडली फोकस्ड ऑन इंश्योरिंग द गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज हाँ तो यहाँ पे ये बोला है कि डिजिटल इकोनॉमी जो है उसको बढ़ाने की यहाँ पे बात की जा रही है कि डिजिटल इकोनॉमी हम लोग बढ़ाएंगे। और इस कंडीशन में क्या है कि बहुत सारे लूपहोल्स जो हैं वो छोड़ दिए ये कमेटी। अभी लूपहोल्स यहाँ पे क्या क्या बोला गया कि पहले तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो डेटा कलेक्ट करेगी, ठीक है, और उसको यूज़ करेगी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस तरह से क्या हो सकता है कि बहुत गलत गलत चीज़ जो है वो किया जा सकता है। यहाँ पे बताया नहीं गया क्या किया जा सकता है लेकिन यहाँ पे गलत गलत चीज़ किया जा सकता है, जैसे कि कैम्ब्रिज एक हुआ था ना केस, जैसे मैंने आपको बताया फेसबुक वाला जो केस था, तो उसी तरह का चीज़ के यहाँ पे बोलने की बात की जा रही है कि हाँ इस तरह का जो केसेस है वो सामने उठ के आ सकती है। यहाँ पे ये बोला गया कि अब एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग ऐसा कर देते, ठीक है, ये जो हम लोग जो काम करने वाले हैं हम लोग कर देते तो क्या होगा कि बहुत सारे देखिए यहाँ पे एक ऐसा क्लॉज है इस पूरे डेटा बिल में कि स्टेट फंक्शन के लिए कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ के हम लोग डेटा ले सकते हैं या फिर उसके जो रिक्वायरमेंट है उसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि उसमें नोटिस और कंसेंट लेने का ज़रूरत नहीं है, लोग डेटा जो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कुछ ऐसे स्टेट वेलफेयर फंक्शंस के लिए। अब वहाँ पे देखिए वेलफेयर प्रोसेसेस के लिए क्या क्या चीज़ आप लोग डेटा में लोगे या फिर क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होगा वेलफेयर के लिए, तो वो आप छोड़ दिए कि हाँ आपको बताया नहीं कि किस तरह का नोटिस या कंसेंट यहाँ पर नहीं लेना होगा और फिर क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेट वेलफेयर को दे दिए कि अब स्टेट वेलफेयर में क्या गवर्नमेंट निकालती है उस डेटा से वो किसको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि बहुत वर्ड्स जो उसको बहुत अजीब तरह से यहाँ पर कार्व किया गया, इस तरह से खूबसूरती के साथ सजाया गया ना
कि आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या गलत हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बोला गया सर्विलियंस को लेकर के। अब यहाँ पे सर्विलियंस का कोई यहाँ पे चीज़ नहीं कि सर्विलियंस कहाँ होने वाला, कौन करने वाला है सर्विलियंस। सबसे बड़ा यहाँ पे एक बात है कि जो डेटा है उसको सर्वेल कौन करेगा, उसको देखेगा कौन कि यहाँ पे सही जो डेटा वो सही तरीके से जा रहा है आ रहा है नहीं आ रहा है, वो कौन देखेगा। तो वो जो भी देखने वाले हैं वो जुडिशरी फ्री होने वाले हैं, मतलब उनके ऊपर जो जुडिशियर है उसका कोई मेंबर, मतलब जुडिशियल मेंबर वहाँ पे कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे देखिए बेसिकली लॉ जो है वहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग देखेंगे पुत्र स्वामी रूलिंग में देखिएगा, हम लोग नॉर्मली देखें कि यहाँ पे हम लोग एक प्री अप्रूवल जुडिशियल यहाँ पे होना चाहिए, एक जुडिशियल प्री अप्रूवल हमको लेना पड़ेगा। हम लोग सर्वेलिंग करना है अपने प्रोडक्टिव जो इन्फॉर्मेशन है उसको बचाना है, तो यहाँ पे जुडिशरी जो है उससे हम लोग को कंसेंट लेना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी बोला गया कि हम लोग जो है इस तरह से एक पूरा डेटा एक बिल बना के यहाँ पे आया है जहाँ की स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जो है उसकी इकलौता यहाँ पे ताकत रहेगी, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट की यहाँ पे ताकत रहती है तो बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स जो है हमारे अपर लीड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं तो उनके हाथ में सारा पावर वेस्ट करेगा, वो लोग कैसा काम करें क्या काम नहीं कर रहे उसको क्वेश्चन कौन करेगा, यहाँ पे वो सवाल है। कंक्लूजन यहाँ पे यही उठ के आता है कि द ड्राफ्ट एंड रिपोर्ट सिर्फ, तो यहाँ पर यह बोला है कि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है टोटली अगर हम लोग देखा जाए तो आज तक ऐसा कुछ था नहीं, अगर कुछ आया है तो ये अच्छा ठीक है राइट स्टेप है, लेकिन यहाँ पे कुछ और बड़े स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए थे, यहाँ पे वो जो स्टेप्स है उनका चीज़ नहीं किया गया। चलिए ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है हम लोग देखेंगे फ्यूचर में कि अमेंडमेंट्स आएंगे जरूर, अमेंडमेंट जो वो जरूर आएंगे, और जो क्योंकि नॉर्मल पीपल जो अगर उनको ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा तो वो लोग ज़रूर जाकर पिटीशन फाइल करेंगे, और फिर वैसा अगर पिटीशन फाइल होगा तो ऑफकोर्स जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर देखेगी और फिर अमेंडमेंट्स जो है वो आने की बात ऑफकोर्स होगी, लेकिन लंबा समय लगने वाला है इसमें अभी भी। देखिए कंटिन्यूस थॉट्स में आज का क्वेश्चन है, द डाउन ऑफ द इन्फॉर्मेशन एज हैज ओपन अप द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर बेनिफिशियल यूज ऑफ डेटा, हाउएवर इट हैज़ ऑल्सो एनहांस्ड द पर्ल्स ऑफ अनरेगुलेटेड एंड आर्बिट्री यूज ऑफ पर्सनल डेटा, डिस्कस ऑल्सो एग्जामिन द नीड ऑफ फ्रेमिंग और रॉबस्ट लॉ टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल डेटा। तो चलिए ये क्वेश्चन था आज का। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, गला दर्द दिया था एकदम, मैंने देर तक बोलते बोलते ना मतलब ऑफकोर्स गजब से लगने लग जाता है। और यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे इंडिया और यूएस के बारे में डिफेंस स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, देखिए बहुत अच्छा न्यूज़ है ये, अच्छा लगेगा सुनने में। यहाँ पे ये हो कि इंडिया जो है वो फाइनली एलाइड ग्रुप ऑफ एलीज जो है वो ज्वाइन कर चुका यूएस का। अब एलाइड ग्रुप ऑफ एलीज क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब भारत में होने क्या वाला है कि अब हम लोग उन लोग का जो डिफेंस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स है, ठीक है, जो कि डुअल यूज़ के लिए बनाया गया था, हम लोग उसका 90% जो है हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, तो वो लाइसेंसिंग फ्री हो जाएगा, हम लोग वहाँ से आराम से जाकर के सामान जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा चीज़ होने वाला है। अदर वर्ड्स में हम लोग बोले तो हम लोग को जो यूएस का सेंसिटिव जो एक होता है ना कि टेक्नोलॉजी जो हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी जो होता है सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज, तो उसको यूज़ करने का एक तरह का परमिशन मिल चुका है कि हम लोग वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है, पैसा तो देना ही पड़ेगा लेकिन यहाँ हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, अब ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे आर्टिकल में देखेंगे जानेंगे क्या क्या है डुअल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है, टोटल हिस्ट्री देखेंगे तो प्रोमिनेंट लीडर्स अगर भारत की बात की जाए जो टॉप लीडर्स थे हमारे, तो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उस समय देखिएगा कि बहुत सारे बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हम लोग के। इसके अलावा देखेंगे कि जो हमारा जो आज़ादी हुआ उसके बाद भी देखेंगे कि रिलेशंस है वो उसी तरह से कुछ बरकरार रहे हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे मोस्टली कि हम लोग जो टाइज थे हम लोग यूएस के साथ हम लोग छोड़ दिए थे, कब, जब एक तरह का नहीं कोल्ड वॉर चल रहा था यूएस और रशिया के बीच में, जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसएसआर के बीच में बेसिकली, तो उस समय क्या हुआ था कि हम लोग ये टाइज जो उसको छोड़ दिए थे। क्यों छोड़ दिए थे कि अगर हम लोग कोई एक ग्रुप की तरफ जाते थे तो हम लोग के पास ये डर था कि वो ग्रुप जो वापस हम लोग को डोमिनेट करेगा, जिस तरह से हम लोग उस समय तुरंत हम लोग निकल के आए थे हम ब्रिटिश का रूल से, तो हम लोग का ऐसा डर था, तो हम लोग एक स्पेसिफिक बना लिए थे कि हम लोग मतलब किसी भी साइड हम लोग नहीं जाने वाले, हम लोग एक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी था उसी को फॉलो किए थे। इसके अलावा हम लोग का भारत का जो इकोनॉमी है वो क्लोज इकोनॉमी है, तो उसको उससे रिलेटेड भी क्या हुआ कि जो यूएस है उसके साथ हम लोग का वैसा रिलेशन जो है वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया। अब यहाँ पे बात करेंगे 1990s से अगर हम लोग देखें कि सोवियत संघ जो है वो टूट गया, ठीक है, और यहाँ पे भारत जो है वो जो टाइज है यूएस के साथ वो बढ़िया करने लगा। अब भारत का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ 1998 में, आप लोग बताइएगा ज़रूर नीचे, आप लोगों को पता भी होगा नॉर्मली लेकिन आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पे भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, ठीक है, तो वो आप लोग बताइएगा ज़रूर, आप लोग कोशिश कीजिएगा आंसर देने का यहाँ पे। अब यहाँ पे और है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो न्यूक्लियर रिलेशंस यूएस के साथ बनाना स्टार्ट किए, और इसको बाद में स्ट्रेंथ कर दिया गया 2008 समय तक, इसको पूरा एकदम ताकतवर बना दिया गया, और एक 128 एग्रीमेंट आया बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो ये भी एक अच्छा एग्रीमेंट था। अब यहाँ पे हम लोग और ही बात करेंगे कि 2016 में डिफेंस जो रिलेशंस उसको बहुत ऊंचाई तक लेके चल गया जब इंडिया यूएस जो है वो लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं लियोमा के बारे में, इसके अलावा और तीन एग्रीमेंट के बारे में हम लोग पढ़े थे किस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है भारत के लिए, तो पहले जो डिस्कशन है उसमें ये दिया हुआ है।
अब यहाँ पे देखेंगे किस तरह से ये डिफेंस पार्टनर का जो अहदा है भारत का वो बहुत बढ़ा देता है यूएस के सामने, तो डिफेंस बहुत अच्छा पार्टनर हम लोग बन के आ गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ड्यूअल यूज़ टेक जो है उसको किस तरह से इम्पोर्ट करने वाला का पूरा मतलब ऑथोराइजेशन जो होता है वो देखेंगे हम लोग। तो कुछ कंट्रीज़ जो है वो स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन STA 1 के अंदर आती है, ठीक है। जो लोग बेसिकली कौन कौन कंट्रीज आती है, जो लोग एक रीजनल स्टेबिलिटी जो है उसको एंडेंजर नहीं करती, उसको खतरा नहीं पहुंचाती। इसके अलावा जो US का जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी खतरा नहीं पहुंचा रही है। इसके अलावा ऐसी कंट्रीज जहां से मतलब कोई भी सामान जो है बेसिकली कोई भी डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो चोरी होने का डर नहीं है, तो वो मतलब कंट्रीज़ को STA 1 का जो अहदा है वो दिया जाता है। अब STA 1 का लिस्ट में 36 कंट्रीज़ आती है जिसमें बेसिकली सारी कंट्रीज़ जो है वो US की अलाइज ही है या फिर नेटो से जो टूटा हुआ कुछ मेंबर थे बड़े बड़े मेंबर्स, तो वो लोग यहाँ पे मतलब ऐसे कुछ कंट्रीज यहाँ पे आती है। अब भारत की बात अगर बात किया जाए, इसके अलावा और एक यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम होता है, ठीक है। टोटल जो एक्सपोर्ट रेजिम होता है ना वो 4 होते हैं टोटल। अब भारत इसमें से 3 का ही हिस्सा है, तो मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो भारत क्या है, US का कोई अलाई नहीं है, ये कैंसिल हो गया। नेटो का कोई अलाई नहीं था उस समय, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसके अलावा भारत चार जो मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम है उसमें भी नहीं आता, तो ये भी हट गया। तो भारत मेरे ख्याल से ऐसा एक इकलौता कंट्री है जो कि इस तरह का जो पावर है जो एक्सेस है वो कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बोला गया कि अगर एशिया की सिर्फ बात किया जाए तो एशिया में भारत के पहले जापान और साउथ कोरिया को ये पावर मिला STA 1 के अंदर, और किसी को ये नहीं मिला हुआ, तो हम लोग थर्ड कंट्री बनेंगे भारत में सॉरी एशिया में जो कि इस तरह का पावर जो है उसका हम लोग आराम से मतलब फ़ायदा उठाएंगे। अब यहाँ पे भारत बोला अगर नॉर्मली देखा जाए तो अभी तक STA 2 का हिस्सा था भारत, मतलब एक क्लास नीचे का हिस्सा था, STA 2 का हिस्सा था, और इसमें 8 कंट्रीज़ आ रही है, ठीक है। चाइना, पाकिस्तान, रशिया जो है वो कोई भी लिस्ट का पार्ट नहीं है यहाँ पे, हम लोग अगर देख सकते हैं, ठीक है। अभी कंट्री तो हम लोग करेंटली इंडिया जो है बहुत अच्छा खासा यहाँ पे US के साथ रिलेशन जो बढ़िया की जा रहा है, इसकी वजह से रशिया जो है वो काफ़ी नाराज़ है भारत से, वो चाइना की तरफ मुड़ रहा है, तो ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। इसके अलावा जो US है उसका भी खतरा हो सकता है भारत की जो सोवर्जिनिटी है, हम लोग का जो खुद का एक होता है ना कि हम लोग का कंट्री में हम लोग रूल करेंगे, तो उस तरह को भी खतरा हो सकता है, तो ये भी आगे हम लोग जानेंगे। अब बेनिफिट्स देखते हैं भारत को लेकर के क्या क्या है। तो कंपनीज जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा रेडी रहेंगी कि हाँ भाई हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस जो है उसको इंपोर्ट करेंगे हम लोग आराम से, क्योंकि लाइसेंसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हट गया, 90% टेक्नोलॉजी में तो लाइसेंसिंग अब है ही नहीं, तो हम लोग को टेंशन नहीं रहेगा। इसके अलावा क्या है कि हम लोग जो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है डिफेंस इक्विपमेंट में वो काफ़ी ऊपर जाने वाला है यहाँ से, क्योंकि हम लोग एक तो मेक इन इंडिया जो है उस इनिशिएटिव के अंदर यहाँ पे ये अंदर आ जाएगा, तो ऑफकोर्स ये जो है इंडिया को बहुत सेल्फ रिलायंट बना के रिलियंट बनाने का काम में मतलब काम करेगा ये। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया जो है ये क्लब में क्योंकि ये घुस चुका है, तो यहाँ पे क्या है कि एक इंडिया को इस तरह से देखा जा रहा है, अभी कंट्री में लोग अगर इंडिया का इमेज देखें पूरा भारत पूरा वर्ल्ड में, तो इंडिया को इस तरह से देखा जा रहा है कि हाँ ये जो कंट्री है वो ट्रेड को लेकर के बहुत जागरूक है, ये ट्रेड जो है वो करती है सही तरीके से करती है, तो भारत का एक अच्छा इमेज बन रहा है पूरा वर्ल्ड में, वो तो हम लोग को देखने से यहाँ पे समझ में आ ही रहा है। अब क्वेश्चन ये कि US इज इंडियाज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर विद रिस्पेक्ट टू द डिफेंस सेक्टर, बट दिस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप कुड अफेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो ये मैंने आपको पहले ही बोला कि सॉवरेनिटी जो है वो काफ़ी खतरा यहाँ पे दे सकता है, तो इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। और इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो चुका खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा, डिसलाइक क्यों किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और शेयर कीजिएगा अगर आपको किसी को भी लगे कि ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए, तो उससे आप शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हम लोग को सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा PDF अगर आपको डाउनलोड करना तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सब जितना भी डिस्कशन है उसका PDF जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग का जो डिस्कशन है या फिर हम लोग का जो सीरीज़ था हिस्ट्री को लेकर के वो हम लोग का अभी पोस्ट हुआ रिसेंटली, सबसे पहला वीडियो मैंने पोस्ट किया एशियन हिस्ट्री को लेकर के, आप लोग उसको चेकआउट कीजिए, आप लोग देखिए उससे अगर आपको चाहिए तो, और फिर उसका जो PDF फॉर्म है क्योंकि वो पूरा नोट्स बनाया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर का नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए वो, तो आप लोग वहाँ पे जाके कर सकते हैं, मैं लाने की कोशिश करूँगा। देखिए क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे जो प्रीलिम्स होते हैं उसमें, तो उसका क्वेश्चंस का लिस्ट है मेरे पास, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि किस समय कितने खतरनाक क्वेश्चंस आया करते हैं हिस्ट्री से, तो आपको थोड़ा मतलब अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह से मतलब आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। चलिए दोस्तों इसी तरह आज का जो वीडियो वो चुका खत्म, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो फिर से मैं सेम ही बात बोल रहा हूँ, चलिए ख़त्म करते हैं हमारा वीडियो आज का।